खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं। एक दर्दनाक घटना सामने आई है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इथोपिया विमान में 157 लोगों की जान गई है। अब खबर आ रही है कि इस विमान दुर्घटना में 4 भारतीयों की मौत हो गई है। ये इथोपिया विमान का मलबा है जो अदिस अबाबा से नैरोबी जा रहा था। इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग विमान 737 था। यह विमान उड़ान भरने के मात्र 6 मिनट के बाद दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 157 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 4 भारतीय भी शामिल थे। मृतकों में कुल 149 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। इस दर्दनाक दुर्घटना में कनाडा, केन्या, चीन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, मिस्र, नीदरलैंड, भारत एवं कई अन्य देशों के पैसेंजर सफर कर रहे थे। एयरलाइन ने कहा पायलट ने भेजा था परेशानी का संदेश। इथोपिया एयरलाइन के दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के पायलट ने अदिस अबाबा से उड़ान भरने के बाद नियंत्रक को सूचित किया था कि उसे कुछ परेशानी हो रही विमान में। वह 157 यात्रियों को ले जा रहे विमान को वापस लाना चाहता था। इथोपिया एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी गोबरे मरियम ने कहा कि विमान को वापस इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी दे दी गई थी। रिपोर्ट APNS।